नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है टीवी न्यूज में। हिमाचल प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश के बाद मंगलवार को थोड़ी राहत रही, लेकिन पहाड़ों पर भूस्खलन अभी थमा नहीं है। मंडी में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के कारण बंद है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावित मंडी और कुल्लू का हवाई सर्वे किया है। बीते 3 दिनों में हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर बनकर बरसी है। इसके चलते प्रदेश को करोड़ों का नुकसान हुआ है और जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं होने से लोग फंसे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में इस समय 1,239 सड़कें और 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। प्रदेश में 2,577 बिजली ट्रांसफार्मर बाधित और 1,418 जगहों पर वाटर सप्लाई स्कीम बाधित है। इस बीच भारी बारिश के कारण अत्यधिक क्षति होने के बाद राज्य शिक्षा विभाग ने अपने मॉनसून और ग्रीष्मकालीन अवकाश में फेरबदल करने का निर्णय लिया है।